परसों ही मैंने होम गार्डन की अपनी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अपने आम दिखाए थे, तो रात बहुत तेज़ आंधी आई थी और बहुत सारे आम उसमें झड़ गए। तो अब हम इन आमों का क्या करेंगे कि कुछ तो मैंने अमचूर बना लिया है छील के और नमक के पानी में डाल के और काट के और सुखा दिया इनको, और अभी बना रही हूँ मैं लोंजी। तो ये हमारी बन रही है लोंजी, ऐसे लंबी लंबी फांग काट के और चीनी में थोड़ी देर इनको रख दिया था, और थोड़ा गुड़ डाल के अभी पकाएंगे और मसाले थोड़ी डाल देर में डालेंगे। और उससे पहले मैं कुछ वो रख के आई थी जो अमचूर के लिए, उसको देख के आती हूँ सूखी है नहीं। तो इनका बनाएंगे अमचूर, तो इसको कम से कम सूखने में 2 या 3 दिन लगेंगे अगर ऐसी तेज़ धूप रही तो। अभी हम इनको और धूप में रख देते हैं, इस तरफ पूरा दिन धूप रहेगी, और थोड़ा सा इनको उल्ट पुल्ट कर देते हैं कि जो सूखा है वो ऊपर आ जाए, नीचे चला जाए, जो गीला है वो ऊपर आ जाए। तो ये लोंजी हमारी पकने को तैयार है, और ये मैंने कुछ मसाले ले लिए जिसमें काला नमक, सेंधा नमक, मिर्च, सौंफ, भुना जीरा और काली मिर्च और दालचीनी के टुकड़े। आप कलौंजी भी डाल सकते हैं, कलौंजी अभी मेरे पास है नहीं लेकिन उतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो ये मसाले हम सारे इसमें डाल देते हैं और मिला देते हैं, बस 2-3 मिनट और पकाएंगे और ये रेडी टू ईट हो जाएगी। आप इसको परौंठे के साथ, चावल के साथ, किसी भी कीवी के साथ आराम से खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। अकेले बैठे वैसे ही खा लो इसको, बहुत खट्टी मीठी स्वाद बनती है। तो हमारी लोंजी हो गई है तैयार, और ये चाशनी जमे नहीं, इसके लिए हम थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं, नहीं तो ये चिपचिपी और जम जाती है। बस खाली चाशनी को खिली खिली रखने के लिए हम हल्का सा नींबू निचोड़ देते हैं और बीज इसका निकाल देते हैं, और ये आप कभी भी खा सकते हो। गैस कर देती हूँ बंद, ये हो गई है हमारी लौंजी तैयार।